Hello students, my name is Abha and today we are going to learn about modern periodic table. The idea of which was given by Henry Moseley. अब Henry Moseley ने किया क्या? इन्होंने high speed electrons जिसे cathode rays भी कहा जाता है इसको bombard किया on different metal surfaces. और जब भी cathode rays को bombard किया जाता है on a metal surface, X rays are obtained. और इनको जो एक्सरे स्पेक्ट्रास देखने को मिली उसमें काफी रेगुलरिटीज देखने को मिली. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया है ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे वर्सेस एटॉमिक नंबर. अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है विच इज ए मल्टीप्लाइड बाई जेड माइनस पी वेयर जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. ए एंड बी बोथ आर कॉन्स्टेंट्स. ए जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है और बी जो है वो स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट है. अब जरा ग्राफ पे ध्यान देते हैं. तो यहाँ पे देखेंगे आप y एक्सिस पे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे को प्लॉट किया है एंड ऑन x एक्सिस एटॉमिक नंबर्स आर प्लॉटेड. अब जब इन दोनों का प्लॉट किया गया तो सारे प्लॉट्स जो हैं वो आए हैं स्ट्रेट लाइन में. बट अगर आप एटॉमिक नंबर की जगह पे एटॉमिक मास का प्लॉट करेंगे विद स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे तो कुछ प्लॉट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगी, कुछ प्लॉट्स स्ट्रेट लाइन के बाहर आएंगी. ठीक है. सो दस ही हैज प्रूव्ड दैट एटॉमिक नंबर जो है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास. एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो मेंडलीव का पीरियडिक लॉ था विच वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास इट वॉज मॉडिफाइड एंड द मॉडिफाइड लॉ वॉज नोन एज मॉडर्न पीरियडिक लॉ. ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था in the increasing order of the atomic number. And according to modern periodic law, the physical and the chemical properties of the elements are periodic function of their atomic numbers. अब ये जो आप देख रहे हो ये एक layout है हमारे modern periodic table का. अब modern periodic table में there are 118 elements. There are two types of arrangement in the modern periodic table. There are horizontal rows and there are vertical columns. अब horizontal rows कितने हैं? 7. ठीक है, और उन्हें कहा जाता है periods. एंड वर्टिकल कॉलम्स है 18, उन्हें कहा जाता है ग्रुप्स. एंड बिलो द मेन टेबल यू कैन सी टू सेपरेट सीरीज जिसे कहा जाता है lanthanides एंड actinides, जिनके अंदर there are 14 एलिमेंट्स ईच. अब ओवरऑल पीरियोडिक टेबल को आप देखोगे तो पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स. ठीक है. अब फर्स्ट ग्रुप 1 एंड 2 जिसे हम कहते हैं S ब्लॉक, यहाँ पे आप देख रहे हैं. ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप को कहा जाता है S ब्लॉक. ग्रुप 13 टू 18 को कहा जाता है P ब्लॉक. तो ये जो एंड में दिख रहा है आपको 13 टू 18 इसे कहा जाएगा P ब्लॉक. ग्रुप 3 टू 12 इसे कहा जाता है D ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो बीच में दिख रहा है आपको 3 टू 12 इसे कहेंगे D ब्लॉक. And the two separate series at the bottom called as lanthanides and actinides, they are together called as F block or inner transition elements. तो इन दोनों को बोला जाएगा F block. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि what are the position of lanthanides and actinides. अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो there is lanthanide element having atomic number 57 to 71. The position is third group and sixth period. And actinides की अगर आप position देखेंगे तो it is at the third group but 7th period. Now there are certain common names for each group. For example, group 1 को कहा जाता है alkali metal, group 2 को कहा जाता है alkaline earth metal, group 18 को कहा जाता है noble gases और inert gases, group 17 को कहा जाता है halogens, group 16 is called as chalcogen and group 15 is called as nictogens. That was about modern periodic table. Thank you.